क्लास में आपका स्वागत है। जैसे इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, दो तीन चैप्टरों को हम लोग साथ लेके चल रहे हैं, तो बेसिक आज पढ़ाने जा रहे हैं किसका, लसा मसा का। ठीक है, लसा क्या है आपका, लघुत्तम समावर्तक, और मसा क्या होता है महत्तम समावर्तक। ठीक, जैसे यहाँ क्या होता है एलसीएम बोलते हैं हम लोग, एलसीएम को क्या बोलते हैं, एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ी बात, मल्टीपल और फैक्टर ये क्लियर होना चाहिए। मल्टीपल क्या होता है, ये गुणज होता है, गुणज। हम जैसे पढ़ाते समय, जब आपको पहला वीडियो पढ़ाए थे गुणनखंड वाला, तो उस समय भी बताए थे, जो पोस्टमार्टम किया गया था किसका, गुणनखंड का, उसमें भी ये चीज समझाए थे। आज फिर समझा रहे हैं गुणज और गुणनखंड में क्या फर्क है, तब आगे बढ़ रहे हैं। गुणज और गुणनखंड में क्या फर्क है, जैसे सपोज कर लीजिए, अगर आपसे बोला जाए 6 के गुणजों की संख्या बताइए, तो 6 के गुणज क्या होंगे, अनंत होंगे। 6 के गुणज क्या होंगे, अनंत। तो 6 हो गया, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ये गुणनखंड है किसके, 6 के, और सॉरी गुणज है। गुणनखंड क्या होगा, 6 किससे किससे कटता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। 6 एक कैसी संख्या है, परफेक्ट नंबर भी है, ये भी हम वीडियो में जब शुरुआत हुआ था तब बता दिए थे। तो 6 पे ध्यान से समझना कि 6 क्या चीज है, ये क्या है। जैसे गुणनखंड जो भी दी संख्या दी रहेगी, देखना ध्यान से, लिख रहे हैं लसा क्या होता है, दी गई संख्या, दी गई संख्या, दी गई संख्या क्या करती है, विभाजित करेगी किसको, लसा को। दी गई संख्या विभाजित करती है, विभाजित करती है, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं अभी। दी गई संख्या क्या करती है, विभाजित करती है, ठीक है, किसी एक बड़ी, जो बड़ी संख्या रहेगी उससे बड़ी को ये विभाजित करती है। ठीक है, इसको हम, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझना पड़ेगा, क्या करती है वो, विभाजित करती है, ये चीज हमको समझना पड़ेगा, विभाजित करती है। सेम उसी तरीके से इसमें क्या होता है, मौसम में विभाजित होती है, दी गई संख्याएं विभाजित होती हैं, विभाजित होती हैं, ठीक है, विभाजित होती हैं, जिससे सब की सब कट जाए, जिससे क्या हो जाए, सब की सब कट जाए, इसी को कहते हैं। अब ध्यान से समझना, ये गुणज और ये गुणनखंड समझ चुके हो तो इस चीज को हटा रहे हैं, गुणज और गुणनखंड को समझ लीजिएगा, इसके बाद इसको हटा के एक ऑप्शन से समझा रहे हैं, छोटा ऑप्शन लेंगे कोई भी तो उससे कर रहे हैं, तो ये चीज हटा रहे हैं थोड़ा सा ध्यान से, ठीक, क्योंकि थोड़ा सा जगह चाहिए यहां पे अभी के लिए। अब देखिए ध्यान से, जगह हो गई, ये क्या कहा, विभाजित करती है, और ये क्या होती है, विभाजित होती है। जैसे तुमको हम ऑप्शन में दे दिए, ध्यान से समझ लेना, ऑप्शन में दे दिए, पेन चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, ऑप्शन में दे दिए 4, 6 और 8, ये ऑप्शन में दे दिए, और यहां ऑप्शन में यही रख रहे हैं 4, 6 और 8 का, आप लसा निकालिए और मसा निकालिए। हमने क्या कहा कि विभाजित करती है, विभाजित करती है, तो ये भी विभाजित करेगी, ये भी विभाजित करेगी और ये भी विभाजित करेगी, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी विभाजित करेगी, 8 विभाजित करेगी, तो ऐसी स्थिति में 8 ले लेंगे, क्योंकि ये है, ये भी विभाजित करेगी, ये कहने का मतलब ये भी क्या करेगी, विभाजित। तो हम ऐसी स्थिति में अब ये देखेंगे कि दोनों किस टेबल में आते हैं, ठीक, तो किस टेबल में आ जाएंगे, 4 के, किस टेबल में आ जाएंगे, 4 के, तो 4 से कट जाएगा ये गैप, देखना इसी के किसी गुणनखंड में ये दोनों आ जाएंगे जो गैप रहेगा। अब जैसे इसके इसके बीच में गैप कितने का है, 2 का, तो ये जरूर देखो 2 के ही किसी टेबल में आएगा, 2 से कट जाएगा क्या बार में, 3, तो 8 3 24, 8 3 कितना आ गया, 24, और 24 आपको समझ में आएगा, 24 किस किस संख्या से कट रही है, तो 4 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी और 8 से भी। तो ये क्या करती है, इस चीज को ध्यान से समझो, क्या करती है, विभाजित करती है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्या करती है, विभाजित करती है। अब ये क्या कहता है, कह रहा है विभाजित होगी, विभाजित होती है, ये विभाजित होती है, दी गई संख्या विभाजित, यानी ये भी कट जाए, ये भी कट जाए और ये भी कट जाए, कटेगी तो तब अधिकार किस पे आ जाएगा, मौसम पे, क्योंकि ये भी कटनी चाहिए,
तो ये भी कटनी चाहिए। तो अब ये ध्यान से समझो, ये किससे किससे कटती है, ये किस किस संख्या से कटेगी, एक से कटेगी, दो से कटेगी और चार से कटेगी। तो हम बड़ी संख्या से एक तरफ से नहीं शुरू करते, बड़ी संख्या से देखना शुरू करते हैं किससे कटेगी। क्या चार से सब कट जाएगा, कटेगा? छह नहीं कट पाएगा चार से, तो चार नहीं होगा। फिर किससे, दो से सब कट जाएगा, हाँ दो तिहाई दो चौके, क्योंकि ये तो कट ही रहा है, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, इसका मौसा हो जाएगा दो। तो हमारे ख्याल से शायद हम समझाने में कामयाब हुए हों कि लसा क्या करती है, लसा दी गई संख्याएं विभाजित करती हैं, ये भी काटेगी और ये भी काटेगी, और इसमें क्या होती है, विभाजित होती है। ठीक है, ये दी गई संख्याएं विभाजित होती हैं किसी एक संख्या से। ठीक है, तो अब चल रहे हैं एक साथ दो दो अंक को हम लोग करेंगे, तो वो चीज देख रहे हैं ध्यान से। ठीक है, कैसे होगा अगला हम कर रहे हैं, तो वो देख रहे हैं हम क्या क्या करेंगे। तो जैसे सबसे पहला अगर हम लोग लेते हैं, लसा भी निकालेंगे और उसका मौसा भी निकालेंगे। ठीक, इस तरफ क्या निकालेंगे, देखो बेसिक कर रहे हैं अभी, हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, हम अभी कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी एग्जाम में जो जो सवाल आए हैं वो हम आपको लास्ट में करा देंगे पढ़ाने के बाद से, कि लसा मौसा क्या है। ध्यान से समझिएगा, लसा और मौसा हर एक एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे, जो संख्या इधर लेंगे वही संख्या उधर भी ले लेंगे। तो जैसे सबसे छोटी संख्या के साथ शुरू कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं 6, 9, 12, 15 और 18, ये संख्या है। ठीक, लसा के लिए, और इधर हम लोग ले रहे हैं, यही संख्या थोड़ा सा नीचे करके लेना चाहिए था, चलो लिख ले रहे हैं इसमें, उसको फिर मिटा देना, 6, 9, 12, 15 और 18। ठीक, इसको थोड़ा सा नीचे लिखने के लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा सा नीचे, तो ये क्या क्या था ऑप्शन में, चलो हटो यहां से, ऑप्शन में क्या क्या था, 6, 9, 12, 15 और 18, यही संख्या थी। ध्यान से देखिएगा, लसा लेना है और इधर क्या लेना है, मौसा। तो पहले हम लसा की तरफ देख रहे हैं, लसा के लिए हमने बोला विभाजित करती है, यानी ये भी किसी को काटेगी, ये भी काटेगी, ये भी काटेगी, ये भी काटेगी, ये भी काटेगी, मतलब सबसे बड़ी संख्या यही काटेगी कि नहीं काटेगी। ठीक, ये भी काटेगी, तो इसको हम मार्क कर लेंगे, और ये है रंजिकल, वो क्या कहते हैं, रेखा। ठीक है, सीता जी सिंह घुसी है, इसको छूना मत, पहले बता दे रहे हैं, 1/1 काटना, 1/1, इसको देख लो, ये दोनों किस टेबल में आएंगे, किस टेबल में आएंगे, बड़ा टेबल, बड़ा सोचना। अब जैसे इनके बीच में अंतर कितने का, 12 का, तो 12 के ही किसी गुणज में आएंगे, तो 12 से तो कट नहीं रहे, फिर 12 किससे कटता है, 6 से, कभी गलत नहीं होगा इस तरीके से, और हमारा काम है सिखाना, हम एक एक चीज सिखाएंगे। 6 से कट गया, फिर इसके बाद हम इसको चेक करेंगे, ये किस टेबल में है, देखेंगे 9 का अंतर है, देख लेंगे क्या 9 से कट रहा है, हाँ 9 एक कम 9 और 9 दूना 18 होता है, कट रहा है। अब इन दोनों को देखेंगे किस टेबल में आते हैं, 6 का अंतर है, तो देख लेंगे क्या 6 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 6 से कितनी बार में कट रहा है, 2 बार, 6 दूना 12, उससे। अब इन दोनों में अंतर कितने का, ध्यान से देखो, इन दोनों में अंतर कितने का, 3 का, 3 का अंतर है, क्या ये 3 से कट जाएगा, हाँ देखेंगे कट जाएगा, कई बार में 5। अब इस लाइन में बड़ा कौन, 5, क्या 2 काट पाएगा, नहीं 2 भी नहीं काट पाएगा, यानी ये बच गए, तो इन सबका आंसर कितना हो जाएगा, 18 पचे 90, 90 दूना 180, तो ये आ जाएगा इसका लसा। बस समझ में आ गए, नोट कर लीजिएगा, ये है इसका लसा। ठीक, चले अब देखिए, अगर हमें मौसा निकालना है, क्या निकालना है, मौसा, तो मौसा के लिए कटेंगे, ये कटेंगे, यानी ये भी कट जाएगा किसी संख्या से, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। जब कटने की बात आई गुरु, तो कटने की बात आई, यानी वो 6 भी कटेगा। ठीक है, सब एक ही नंबर से कटेंगे, तो अब देखेंगे 6 किस किस संख्या से कटती है, तो 1 से कटती है, 2 से कटती है, 3 से कटती है, और किससे कटती है, 6 से। तो हम बड़े से देखना शुरू करेंगे, कैसे, बड़े से, क्या 6 काट पाएगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला गया, इसीलिए हाईएस्ट, बड़ा, ठीक है, महत्तम, क्या ये सब कटेंगी 6 से, देख लीजिएगा, क्या 6 से सब कटेंगी, तो हम कहेंगे नहीं, 6 से नहीं कट रही है। क्या 3 से सब कट जा रही है, हाँ 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 18, तो वो मौसा क्या हो जाएगा, 3, तो यहां मौसा क्या होगा, 3। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, ठीक, ये क्लियर है यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत। अब अगला स्लाइड देखिएगा, अगला जो स्लाइड लगाने जा रहे हैं उसको स्लाइड देंगे फिर से।
अब अगला वही चीज फिर से कॉमन कर रहे हैं, लाइन खींच लिया। अब यहां क्या कर देंगे हम, ये कर देंगे लसा, क्या कर देंगे लसा, और ये क्या कर देंगे मसा, ये कर देंगे लसा और इसको करेंगे मसा। किसका किसका निकालेंगे, ऑप्शन लिख लीजिएगा 24, 36 और 40, 24, 36 और 40 लिख रहे हैं। तो हम लिखेंगे 24, फिर लिखेंगे 36 और फिर लिखेंगे 40। ठीक, बात को ध्यान से समझते चलिएगा, 24, 36, 40। फिर हम इधर भी लिख दे रहे हैं इसी को, 24, 36 और 40। ठीक, मौसा निकालना है, बेसिक समझा रहे हैं, बेसिक समझाने के बाद सब समझाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, अभी कोई जल्दी नहीं है। अब लसा है, ध्यान से देखना, लसा और मसा। तो लसा के लिए हम कहे हैं विभाजित करेगी, यानी ये भी काटेगी, ये भी काटेगी और ये भी काटेगी। काटेगी तो ये तो कंफर्म है, या तो 40 होगा या तो 40 से बड़ी होगी, छोटी नहीं हो सकती। ठीक, तो अब इन दोनों को ये किस टेबल में आते हैं, कुछ लोग कह देंगे 4 में, कुछ लोग कह देंगे 6 में। तो बचने के लिए तुम क्या कर लो, इसका अंतर देख लो, अंतर कितने का, 16 का। अब ये 16 के ही किसी गुणनखंड में आएगी, तो देख रहे क्या 16 से कटेगा, नहीं। फिर 16 किससे कटता है, 8 से, तो 8 से काट लेंगे, 8 त्रिक के 24। बोले कोई दिक्कत। अब ये दोनों देख लेंगे किस टेबल में आते हैं, किस टेबल में, 9 के, सॉरी अंतर कितने का हो रहा है, सॉरी अंतर कितने का है, 4 का। 4 से इसको काटेंगे कई बार में, 9 बार, कई बार में, 9 बार में। तो बड़ा कौन है, 9 फिर बड़ा हो गया इस लाइन में, तो ये इसको काट देगा ना, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 360। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 360, क्योंकि 9 बच गया ना, 9 में 40 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360। क्लियर है। अब मसा क्या होता है, मसा गुरु ये कहता है 40 भी काटे, 36 भी काटे और 24 भी काटे। जब काटे मतलब ये कटे, सॉरी काटे कह रहे हैं, जब ये कटेंगे तो ये कंफर्म है कि 24 को भी वो काट रहा होगा, और 24 को काटेगा तो 24 के सारे गुण जितने जितने हैं, 24 से कटता है, 12 से कटता है, फिर किससे कटता है, 8 से कटता है, फिर 6 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, इनसे कटेगा। तो हम बड़े से चेक करेंगे, क्या 24 से सब कट रहा है, नहीं। 12 से सब कट रहा है, 12 दूना 12 3 36 सही नहीं, 8 से सब कट रहा है, नहीं कट रहा है। 6 से सब कट रहा है, 6 के 36, ये नहीं कट रहा है। 4 से सब कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है, तो मौसा क्या हो जाएगा, 4। बात समझ आ गई, ये तो एक तरीका है, नहीं तो एलसीएम मेथड से जब तक कॉमन कटता रहे तब तक काटते रहिएगा, छोटा रहे पहाड़ा पढ़ सकते हो तो ऐसे देख लेना। ठीक, नहीं तो सीधा क्या करना, इनके बीच का गैप देख लेना, यहाँ गैप कितने का, 4 का, और यहाँ गैप कितने का, 12 का। तो ये दोनों देख लेना, दोनों ये किस संख्या से कटती होगी, तो वो ऑटोमेटिक 4 से कट रही होगी। ठीक है, जैसे भी बैठाना चाहो। अगला देखते हैं, अगला एक संख्या और लिख रहे हैं, बस लास्ट संख्या लिखेंगे, इसको कर रहे हैं थोड़ा सा 27, सॉरी 27, 63, उसके बाद लिखिएगा 72 और 81, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दे रहे हैं, 72 और 81। ठीक है, 72 81, अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे भी वही संख्या कर दे रहे हैं 27, 63, 72, 81। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा आपको पहाड़े पे पकड़ बनानी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप सोचेंगे बैठे बैठे सब कुछ हो जाए तो वो नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब हमको क्या करना पड़ेगा, हम इधर क्या ले रहे थे, लसा, और इधर क्या ले रहे थे, मसा। तो ये बताओ लसा के लिए हमने क्या पढ़ा, लसा के लिए हमने यही पढ़ा कि सब मिल के काटेंगी तो ये भी इससे बड़ा ही कोई होगा, या तो ये होगा या तो इससे बड़ा होगा। अब कैसे कंफर्म करें, अब इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 54। अब देखेंगे क्या 54 से दोनों कटेंगे, नहीं। फिर 54 किससे कटता है, 27 से, 27 से, तो 27 से ही कटता है, 27 81, 27 से ही कटता है। देख लो कितना बड़ा पहाड़ा पढ़ने का फायदा हुआ, नहीं तो लड़का किससे काट देता, 9 से काट के चुपचाप बैठ जाता। ठीक है, और फिर गड़बड़ जाता, सबसे बड़ा देखना बड़े टेबल से, ये दोनों किस टेबल में आएंगे, देख लो अंतर कितने का, 18। तो क्या ये 18 से कटेगा, नहीं। अब 18 किससे कटता है, 9 से,
नौ से देख लो कटेगा, नौ सत्ते तिरसठ, नौ नौ इक्यासी, तो क्या बार में कट जाएगा, सात बार। फिर ये दोनों किस टेबल में कटेगा, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों किस टेबल में, कितने का डिफरेंस, आठ का, सॉरी नौ का, नौ का डिफरेंस है, तो क्या नौ से दोनों कटेंगे, हाँ नौ से कटेगा, क्या बार में, आठ बार। तो अब यहां बड़ा कौन है, सात, और ये काट पाएगा क्या, नहीं, तो ये भी बच गया, तो हम कर लेंगे सबका गुणा, छप्पन गुणे कितना, इक्यासी। और मैंने आपको सिखाया है छप्पन गुणे इक्यासी का कैसे गुणा करते हैं, ठीक, गुणा का टेक्निक क्या बताए थे, ध्यान से देख लीजिएगा, जब भी दो अंकों का रहे सीधा क्रॉस सीधा, यही बताए, तो हम करेंगे छह कम छह, क्रॉस कर लेंगे आठ छक्के अड़तालीस और पांच एक कम पांच, अड़तालीस पांच, अड़तालीस पांच तिरपन, तिरपन का तीन कैरी कितना, पांच, आठ पचे चालीस, पांच पैतालीस, तो पैतालीस छत्तीस, ये क्लियर है। अब सेम इसी स्थिति की से अब इधर हमको क्या लेना है, मौसम, तो अब हम देखेंगे सत्ताईस किस किस संख्या से कटती है, तो सत्ताईस किस किस से कटेगी, सत्ताईस से, नौ से, तीन से, एक से, और किसी से कटनी नहीं है, तो क्या सत्ताईस से सब कट रहा है, नहीं कट रहा है, फिर नौ से, नौ सत्ते नौ अठे नौ नौ इक्यासी, तो मौसम क्या हो जाएगा इसका, नौ। बोलिए कोई समस्या किसी को, यहां तक कोई दिक्कत, बोलिएगा, यहां तक क्लियर है। अब ये कॉन्सेप्ट छोड़ रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं, लिखिएगा घातांकीय लसा मौसा, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, घातांकीय लसा मौसा, घातांक का लसा मौसा, जैसे पावर में दे दे, ध्यान से समझना, क्या दे दे, पावर में, ठीक, तो पावर में दे दे, तो उसमें क्या करते हैं, अब ध्यान से समझना, घातांकीय लिख रहे हैं, घातांक का लसा और मौसा, सवालों के साथ समझते हैं, ठीक, दो तीन टाइप है इसमें, कैसे कैसे आता है, अलजेब्रा वाला भी सवाल इसी में आ जाता है, ठीक है, तो इसको समझा रहे हैं अभी, केवल इसको समझा रहे हैं, ठीक है, बाकी इसका जो पोर्शन होगा वो कल देखा जाएगा कैसे होगा, ठीक, लसा देखते हैं, लसा कैसे होगा, जैसे अगर आपसे कोई सवाल पूछ दे, इसका लसा नोट्स में लिखना, इसका लसा क्या होता है, नोट बनाना, ठीक, नोट में लिखना, क्या लसा, क्या बोल ले, कह दे सबसे बड़ी घात वाली संख्या, वाली संख्या लसा होगी, वाली संख्या क्या होगी, लसा, और इसमें लिख लो सबसे, सबसे कम घात वाली संख्या क्या होगी, मौसा होगी, बेस सेम रहेगा, इन सवालों में क्या रहेगा, बेस सेम रहेगा, ठीक है, जब भी आएगा तो बेस सेम होगा, कैसा रहेगा सवाल, सवाल लिया है रहेगा, लिख लीजिएगा तीन पे पांच, तीन पे सात, तीन पे छह, तीन पे बारह, तीन पे नौ, कुछ इस तरीके से सवाल रहा, मान लो यही रहा, तो हम लिख रहे हैं इसी को तीन पे पांच, तीन पे सात, तीन पे छह, तीन पे बारह और तीन पे नौ, इस तरीके से है, घात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम तुमसे क्या बोले, लसा क्या होती है, जो सबसे बड़ी हो, ठीक है, क्योंकि कॉमन है कट जाएगा, तो इसमें तुम ये बताओ सबसे बड़ी घात कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, तीन पे बारह, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, लसा, क्यों कहलाएगा बे, ये भी सवाल होना चाहिए ना, क्यों कहलाएगा, ये बताओ क्यों कहलाएगा, हम तो बोल दिए, रटने के लिए तो बोले नहीं, हम तुमसे क्या बोले थे, सब काट देंगे, ये भी काट देगा, तो देखो ध्यान से, जब तीन पे गुरु बारह करोगे और तीन पे पांच करोगे तो ये इससे कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना, जैसे करोगे ये कट के क्या आ जाएगा, तीन पे सात आएगा कि नहीं आएगा, सेम ये तीन पे अगर बारह है और तीन पे सात से तुम काट रहे हो तो ये जब कटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, पांच, हमने पढ़ाया है आधार बराबर रहे तो क्या होता है,
डिवाइड में रहे तो घट जाएगा। सेम ये भी काट देगा, ये भी काट देगा, तीन बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा काटने पर। तो ये कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है, तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी। बात समझ आ गई। अब मौसम मैंने तुमसे क्या कहा कि सब कटेंगे, यानी ये भी कटेगा, 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 तो ऐसी संख्या बताइए। तो आप तुरंत कहिएगा जो छोटी वाली है, छोटी वाली देखिए ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, काट देगा, ये भी इस पे कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कट जाएगा, सब कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो हमने इसमें क्या करता है, ये विभाजित करती हैं और ये विभाजित होती हैं। तो ये एक ऐसी संख्या है तीन पे पांच जिससे कटेंगी, ठीक है, विभाजित हो जाएंगे, तीन पे पांच भी कट जाएगा। तो जो सबसे कम वाला रहेगा गुरु वही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, विभाजित होंगी, ये विभाजित होंगी और ये मिलके काटेंगी, ये काट के आंसर लाएंगी और ये विभाजित होंगी, दोनों में यही फर्क है। बात समझ आ गया, ठीक। अब अगला सवाल इस पे प्रैक्टिस के लिए करा रहे हैं, एक सवाल और, 20 से 9 खींचते हैं, इधर कर देते हैं आपका लसअप, सवाल चेंज करेंगे थोड़ा सा, अब माइनस को लाएंगे, किसको लाएंगे, माइनस को, क्योंकि ये प्लस वाला क्लियर है ना, प्लस वाला क्लियर होगा, प्लस वाले को दिक्कत नहीं ना है, प्लस वाले में अगर रहेगा तो हो जाएगा। अब जैसे यही सवाल लिखते हैं, 5 पे पावर माइनस 9, 5 पे पावर माइनस 7, 5 पे पावर माइनस 14 और 5 पे पावर माइनस 15, ठीक। सेम सवाल इधर लिख रहे हैं, 5 पे पावर माइनस 9, 5 पे पावर माइनस 7, 5 पे पावर माइनस 14 और 5 पे पावर माइनस 15। बोलो किसी को समस्या, देखो काम है मदद करना, मदद हम करेंगे, कैसे होगा ये कॉन्सेप्ट समझा दे रहे, ठीक है। चलिए सेम सवाल है, अगर लसअप पूछ दे तो क्या, अब देखो अब इसमें कोई तुमसे पूछे सबसे बड़ी घात तो तुम क्या जवाब दोगे, सर 5 पे 7, क्या बोलेंगे, 5 पे माइनस 7, यही बोलेंगे 5 पे माइनस 7, किस बेसिस पे, आधे लोग को समझ में नहीं आएगा। देखो हम याद करो बचपन में ले चलना है तुमको, कहां ले चलना है, बचपन में एक बनाते थे हम लोग संख्या रेखा, इधर लिखते थे 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4 और कहते थे सर अनंत तक जाएगा, कहते थे ना, और इधर करेंगे -1 -2 और इधर -3 इधर -4 और ये कहां तक जाता था -5 और इधर क्या जाता था माइनस अनंत तक जाता था। तो हम क्या कहते हैं, ध्यान से समझो, जैसे जैसे संख्या रेखा पर दाई ओर जाओगे संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। इसीलिए याद करो, हम तो बड़ी मार खाए हैं, पता नहीं तुम खाए हो कि नहीं खाए हो, लिखा जाता था 76 और 67, माइनस लगा दिया जाता था और मास्टरों का बड़ा फेवरेट सवाल होता था, हम बड़ी लात खाए भाई इसके लिए, पता नहीं तुम खाए हो कि नहीं। लेकिन एक समय के बाद जब समय गवाया तब समझ में आया क्यों होता है, क्यों होता है ये, जब संख्या रेखा पर जाओगी तो इधर कहीं -67 आएगा और इधर 76 आएगा, तो सबसे दाईं ओर कौन है, 67, तो बड़ा कौन हो जाएगा, जो बड़ा होता उधर मुंह खोल दिया जाता है, याद आ रहा है, ठीक। तो जैसे जैसे माइनस वाले में हम अगर इसको लिखने में डाउट हो तो हम तुरंत क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे, माइनस साइन है तो जीरो दिखा देंगे, फिर सबसे इधर कौन आएगा -7, फिर -9, तब कहीं -14 और तब क्या आएगा -15। तो ये बताओ सबसे दाईं ओर कौन है, सबसे दाईं ओर कौन है, -7, और हम कहे थे सबसे बड़ी घात, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा गुरु, लसअप। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, हम रहे ना रहे कॉन्सेप्ट जिंदा रहना चाहिए, ठीक है, यही मेरा स्लोगन है, ठीक है, हम रहे ना रहे लेकिन कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। अब सेम वही स्थिति में अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी, क्या पूछा जाए, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी फिर तुम डाउट हो तुरंत मौसा आए, हमने कहा है सबसे छोटी घात ही क्या होती है, मौसा। तो ऐसी स्थिति में अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देख लेना, तो हम करेंगे यहां कहीं जीरो बना लेंगे और इधर -7 -9 -14 और इधर क्या करेंगे -15, तो सबसे बाईं ओर जो रहेगा वही छोटी घात है, तो ये छोटी हो गई, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, मौसम। क्लियर है, ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना इस पे, ठीक। अब
इसके आगे बढ़ते हैं, इसको मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, जोड़ रहा हूँ। अगला स्लाइड देखते हैं, फिर वही बात अगला स्लाइड के साथ शुरू हो रहा है। अब अगले स्लाइड में दोनों मिला दे रहे हैं, प्लस बी और माइनस बी, इफ एंड बट ना रहे, प्लस बी और माइनस बी। अब क्या हो रहा है इसको ध्यान से समझना, प्लस और माइनस वाले में जैसे ले लेते हैं सेम सवलिया ले लेते हैं, कहीं माइनस कहीं प्लस कर देते हैं। तो पांच पे माइनस 100 रखते हैं, पांच पे 7 कर दे रहे हैं, पांच पे 14 कर दे रहे हैं और पांच पे माइनस 15, कोई दिक्कत नहीं ना है, प्लस माइनस दोनों के सेम सवाल है, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा लसा और ये हो जाएगा आपका मौसा, ये लसा और ये मौसा। तो ये तुम्हारा वही कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, पांच पे माइनस 9, पांच पे 7, पांच पे 14 कर रहे हैं और ये पांच पे माइनस 15 कर रहे हैं। अब देखो अगर मैं तुमसे पूछूं कि लसा क्या होगा, लसा क्या होगा, तो तुम तुरंत कहना सर हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, हमको रुक जाइए बना लेने दीजिए, ठीक है हम बनाएंगे। तो ये बताओ कहीं इधर माइनस 9 आएगा और कहीं इधर माइनस 15 आएगा कि नहीं आएगा, और इधर क्या आएगा 7 और इधर क्या आएगा। एक सवाल गलत करने से बढ़िया है कि 2-4 सेकंड ले लो, ठीक है ले लो, कम से कम सही हो कि नंबर मिले, ठीक है जल्दबाजी में ही नहीं कि हड़ुआ के 15 देख लिए मार दिए, ठीक है ऐसा कुछ नहीं करना। जो सबसे दाई ओर है वो बड़ा, तो सबसे दाई ओर कौन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका लसा, बोलो कोई दिक्कत। सेम यही कॉन्सेप्ट है, अगर मैं फिर संख्या रेखा कहूंगा रुक जाइए अभी हमको देख लेने दीजिए, 7 कर लूं, 14 कर लूं और इधर करूंगा तो माइनस 9 और इधर करूंगा तो माइनस 15, तो मैं पूछ दूं इसमें सबसे छोटी या सबसे बड़ी क्या होगी, ठीक है क्या बोल दूं कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी क्या होगी। तो अब हमको मौसम में क्या चाहिए, देखो लसा में तो बड़ी ले लिए, मौसम में क्या चाहिए छोटी, तो ये बताओ इसमें छोटी कौन है 15, तो हम इसको क्या कह देंगे ये क्या है मौसम। बोलो किसी को समस्या, समस्या है, डाउट क्लियर है ना ये वाला, ठीक अगर सवाल आ जाएगा तो कर लोगे ना, ठीक अब अगला देखते हैं। एकदम ध्यान से रखना इन्हीं सब टॉपिकों से आपके एग्जाम में देखना मैक्सिमम सवाल आता है, ठीक है इन्हीं सब, अभी भिन्न का लसम वसम पढ़ाएंगे, दशमलव का लसम वसम पढ़ाएंगे, तो यही सब आएगा। आज केवल यही बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं जहां आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद से इसका सेकंड वीडियो का थोड़ा सा वेट करिएगा जो एग्जाम में डायरेक्टली आज के डेट में रेशियो बेस्ड आते हैं, रेशियो के दम पे, तो उसको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आराम से होले होले कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये सवाल है, अगला स्लाइड देख रहा है, और ये वाला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में बैठा लो चाहे जहां बैठा लो, ये आना ही आना है और आता है। ये क्या होता है, ये हमेशा आता है, जैसे ये लिखिएगा क्या, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 7 पे पावर और 11 पे पावर, ऐसे रहने देते हैं 1, ठीक। ये सवाल बड़ा फेमस सवाल है, ठीक है जो लोग पेपर दिए होंगे उनको ये याद रहा होगा, ठीक है। अगला है, ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक अगला है 2 पे पावर 3, क्वेश्चन नहीं है मतलब ये इसका पार्ट है, 3 पे 2 7 पे 1 और 11 पे 2 कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सॉरी इसको मिटा दे, ये कॉमन है, कॉमन ये कॉमन है, ठीक है समझिएगा ये कॉमा है, ठीक है अगला सेम हो गया। अब 2 पे पावर अगला 2 पे पावर गुड़े 3 गुड़े 7 और गुड़े 11, ये आया हुआ सवाल है, तो ये हम आपको बता दे रहे हैं कितना होगा, 11 नहीं है इसमें 13 दे दिया है, और केवल 3 पे किया है और यहाँ 13 दे दिया है, मतलब एक ही में सब बवाल खत्म भी हो जाएगा, यहाँ 13 दे दिया है, ठीक है यहाँ 13 दे दिया है। अब इसमें हमको लेना है लसा और मौसा, ठीक है इसमें क्या लेना है लसा मौसा। अब इसको हटाते हैं थोड़ा सा हट जाओ बच्चा, हाँ थोड़ा सा तुम क्या करो हट जाओ। अब ध्यान से समझना, ये 3 संख्या ऐसे करके आ जाएगी, कर देगा कहेगा या तो लसा निकालिए या तो मौसा, ठीक। अब ध्यान से समझो, लिख रहा है मेरे भाई, इसमें थोड़ा सा नोट बनाना, क्या करना नोट बनाना, क्या नोट है टक टक टक, नोट्स का सिंबल ऐसे डॉट कर दो, नोट क्या बनाना पहले लसा क्या होता है, लसा क्या होता है इसका और इसका मौसा क्या होता है, दोनों लिख रहे हैं नीचे, ठीक है
इसका मौसा क्या होता है, इसका लसा और इसका मौसा क्या होता है, लसा क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, सब हो और सबसे बड़ा, सब हो सबसे बड़ा हो, यहां सभी में हो और सबसे छोटा हो, ठीक, सभी में हो सबसे छोटा हो, ये बात समझना। लसा क्या होगा, सब हो और सबसे बड़ा, कोई छूटे ना पाए, जो भी आधार है सब हो, किसके लिए है, आधार के लिए, किसके लिए है, आधार के लिए, और सबसे बड़ी किसके लिए है, घात के लिए, बात समझ आएंगे, ये किसके लिए है, सभी में हो आधार के लिए, बोलो क्लियर है ना, और ये सबसे छोटा हो किसके लिए है, घात के लिए, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसमें कहोगे सर तीन पे तो कोई खाती नहीं है, अभी बताओ क्या कर दिए तुमने, तो हम कहेंगे कुछ नहीं है तो एक लिखो बे, कुछ नहीं है तो एक लिखो, कुछ नहीं है तो एक लिखो, एक यहां कुछ नहीं है तो एक, एक कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये नहीं सोचना कि जीरो हो जाएगा, जीरो का मतलब किसी भी संख्या पे घात जीरो हो जाएगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका मान एक होगा, बात क्लियर है, यहां तो कोई दिक्कत। अब देखो सबसे बड़ी बात, अब यहां पे हम तुमसे बोले हैं सब हो, यानी आधार में कुछ छूटना नहीं चाहिए, लसा लिख रहा हूं भैया, लसा लिख रहा हूं, बोलिएगा किसी को कोई समस्या, लसा लिख रहा हूं, लसा क्या हो जाएगा, लसा क्या हो जाएगा, सब लिखेंगे कुछ छोड़ेंगे नहीं, दो तीन सात ग्यारह तेरह, आधार में सब हो, जो इसमें आया है आधार में सब होना चाहिए, कुछ छूटे ना आधार में, सब हो और सबसे बड़ी, तो दो में सबसे बड़ी क्या है, तीन, लिख ली, ये गुड़ा लगेगा बीच में, सॉरी बीच में क्या लगेगा, गुड़ा कॉमन नहीं लगेगा, ठीक है। अब तीन में सबसे बड़ी क्या है, सात में सबसे बड़ी क्या है, दो, ग्यारह में सबसे बड़ी क्या है, दो, तेरह में सबसे बड़ी क्या है, एक, तो ये हो जाएगा इसका लॉस, बात समझ आके, बोलो कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत है, डायरेक्ट आप इतना याद रख लीजिए, जीडी के अगर 43 सेट होंगे तो 43 सेट में से 10 या 12 सेट में ये जितना आज बेसिक पढ़ा रहे हैं ये आना ही आना है, चाहे सीजीएल दे दो, चाहे सीपीओ दे दो, चाहे एमटीएस सीएचएसएल दे दो, कुछ भी दे दो, यहां से एक सवाल अगर लंबे दिन तक पेपर चलेगा तो ये सेट आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। चलिए अब अगला देखा, ये हो गया लसा और अगला क्या करने जा रहे हैं, मसा, मसा हम तुमसे क्या बोले गुरु, मसा बोले कि सब में हो, ध्यान से देना, मसा क्या है, मसा क्या है, सभी में हो, सभी में होना चाहिए। अब वो संख्या देखेंगे कौन सा आधार सभी में है, कौन सा आधार, दो तीन सात ग्यारह है क्या, ग्यारह ग्यारह, लेकिन ग्यारह है यहां पे नहीं, दो तीन सात, दो तीन सात, तो सबसे कम ले लेंगे कौन, दो तीन सात, सवाल किसका है, तो बुरा रहेगा ही रहेगा, और सबसे कम घात, सबसे कम घात क्या है, एक, तीन पे सबसे कम घात क्या है, एक, सात पे सबसे कम घात क्या है, अगर डायरेक्ट आंसर पूछा है सात छक्के बयालीस, ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, बयालीस, नोट कर लीजिएगा मेरे भैया, ये इससे सही सवाल नहीं है, ठीक। अब जैसे एकाध सवाल जो आया हुआ है एग्जाम में इस पे आधार पे, एक छोटा सा सवाल आया हुआ है एमटीएस 2019 में, ठीक है, किसमें आया है, एमटीएस 2019 में आया हुआ सवाल है, तो वो हम आपको बता दे रहे हैं, ये नोट हो जाएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट हो जाएगा तब आगे बढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आगे, चलिए अगला देखते हैं, ठीक है। एक सवाल जो एमटीएस में इसके आधार पे आया है वो हम करा दे रहे हैं, एमटीएस के आधार पे क्या आया है, आप लोग ऑप्शन बताइएगा, सवाल है दो पे पावर
गुणे तीन पे पावर चार कॉमा दो पे पावर पांच गुणे तीन पे पावर दो। आप लोग सवाल हमको भेजते रहिएगा, अगर किसी को बाय द वे डाउट हुआ सेशन हुआ तो जो लड़के हमसे संपर्क में है वो भेज देंगे सवाल, ठीक है, जिससे स्लाइड बनाने में आसानी हो कि कैसे होगा। ये किस एग्जाम में आया है, तो एमटीएस 2019 का आया हुआ सवाल है। ऑप्शन था क्या निकालना था इसका, मौसम का मौसम ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, मौसम। तो हम ऐसी स्थिति में इसका क्या था, ऑप्शन था दो पे पांच गुड़े तीन पे चार, दो पे पांच गुड़े तीन पे पावर तीन, दो पे तीन गुड़े तीन पे पावर चार, दो पे पावर तीन गुड़े तीन पे पावर दो, यही था। तो अब हमको क्या करना है, ध्यान से, ये एमटीएस का आया हुआ सवाल है, किसमें, 2019 में। अभी हम और कराएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, जो लगभग लगभग सारे सवाल हैं वो कराएंगे, लेकिन आपको केवल समझना है कि इसमें क्या होगा। जैसे हम पिछले वाले स्लाइड में चल रहे हैं और हम पढ़े हैं मौसम, मौसम क्या होता है, सभी में हो और सबसे छोटा हो, सभी में हो सबसे छोटा हो। तो ठीक आगे वाले स्लाइड में चल रहे हैं, ये सवाल आ गया मौसम में, सभी में हो, तो देखो सभी में पेन चेंज कर रहे हैं, सभी में क्या है, दो तीन, दो तीन लिखेंगे, चलो भैया सर ने बोला दो तीन लिख लो, लिखा और क्या बोले, सबसे छोटा, यहाँ कितना है तीन पांच, तो यहाँ क्या कर देंगे तीन, यहाँ चार और दो तो क्या कर देंगे दो, कोनो ऑप्शन मिल रहा है, कोनो ऑप्शन मिल रहा है, ये मिला नहीं, ये मिला नहीं, ये मिला नहीं, कौन हो रहा है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हर एग्जाम में आपके आएंगे, ठीक है, छोटे बड़े हर एग्जाम में आएंगे, तो इस चीज को आप ध्यान से देख लीजिएगा। एलजेब्रा वाला अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एलजेब्रा में लसम वसा, एलजेब्रा का जो चल रहा है सेक्शन उसमें पढ़ाएंगे, थोड़ा सा हम कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं अभी, तो एलजेब्रा भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी लड़कों का इधर इसका पेपर है तो इसको देख लेते हैं, फिर उधर भी चलेंगे, ठीक है। बस आपका काम है कि इसको जितना से ज्यादा हो सकता है उतना इसको शेयर कीजिए, ठीक है। अब देखो दिमाग से उतर गया, अब केवल चल रहा है कि कपड़ा कहाँ है उससे मिटाए कैसे, ठीक है, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते बोर्ड पे आदत सी हो गई है, कपड़ा ढूंढ रहे थे, ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। चलिए अगला देख, हो जाता है कभी कभी। नेक्स्ट, अगला क्या है, अब नेक्स्ट हम लिखने जा रहे हैं, अगला हमको क्या पढ़ना था, फ्रैक्शनल वाला, किसका, भिन्न का लसम वसा, इसको थोड़ा सा नोट बना लो मेरे भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। अब समझना, हम लिखने के तरीके से बता देंगे, शायद आपको कभी जिंदगी में कंफ्यूजन ना हो क्या करना है। भिन्न का लसम, भिन्न का लसम, हटाओ इसको पहले, इसको दूसरे पेन से लिखो, और जिस पेन से लिखना उसी पेन से याद दिला देना कि लिखना है, ठीक है, भिन्न का लसम, ठीक है, भिन्न का लसम। तो लसम क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, लिख रहे थे पीले वाले से, तो पीले वाले से लिख रहे हैं, बट्टा कर देंगे, क्या करेंगे, बट्टा क्या करेंगे, भिन्न का लसा यानी अंश का, अंश का कलर चेंज कर रहे हैं, कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा, शायद आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं, समझ में आया, जो चीज निकालनी है वो अंश वाले का आप करेंगे, कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा, जो चीज आपको निकालनी है, अगर लसा निकालना है भिन्न का, तो अंश का लसा निकालना और जस्ट उसके नीचे वाले का क्या निकाल देना, जस्ट अपोजिट, तो हर का क्या निकलेगा, हर का मौसम, बात समझ आ गई, क्लियर है, ठीक। अगला, कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन होगा तो हम जिंदा रहेंगे, ठीक है, अभी तो लंबा जीना है, तो अब क्या करना है, भिन्न का, भिन्न का मौसम, भिन्न का मौसम कैसे निकलेंगे, जो यहां है वही क्या करेंगे, अंश का मौसम निकालेंगे, अंश का क्या निकालेंगे, मौसम, और हर का क्या निकालेंगे, हर का लसम। अब ये कॉम्प्लिकेशन है बहुत ज्यादा, कुछ लोग इसमें फंसते हैं, कैसे करें कैसे ना करें, तो ये चीज समझ लीजिएगा, घबराइएगा मत, इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है।
सवाल के साथ कहो तो यहीं आते हैं, नहीं तो उसके बाद वाली स्लाइड खोलते हैं। ये चीज क्लियर होना चाहिए। अगर लसन निकालना है तो ऊपर वाले का लसन, नीचे वाले का मौसम। अगर मौसम निकालना है तो ऊपर वाले का, जो यहां रहेगा वो यहां रहेगा बस, और उसी का जस्ट अपोजिट नीचे रहेगा, शायद कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलना है। अब ध्यान से देखिएगा, अगला स्लाइड खोलो, सवाल के साथ आते हैं। ठीक है, सवाल लिख रहे हैं तो सवाल लिख लीजिएगा, जो लगभग लगभग जरूरी है उसको कर लीजिए। जैसे लिख लीजिएगा, एक स्लाइड बना लो इधर ऐसे, और ये लिख लो 7/16, ये आया हुआ है 6 अगस्त 2019 को आया था। किसमें आया था? 6 अगस्त 2019 को। तो लिख रहे हैं 7/16, 7/16, 21/32 और 49/8 का इधर हम निकालना चाहते हैं लसा, लेकिन एग्जाम में क्या आया है 2019 में 6 अगस्त में, ये क्या आया था सीजीएल में, मसा पूछा था हमसे 7/16, लेकिन हम दोनों इसी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 21/32 और 49/8, और ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था, 7/64 ऑप्शन में था, 147/32 और ऑप्शन में क्या था आपका, 147/8 और ऑप्शन में क्या था, 7/32। यही चार ऑप्शन था आपके सामने, और निकालना क्या दिया था एग्जाम में, मौसम। ठीक है, ये किसमें हुआ था, अगस्त 2019 वाले पेपर में था, ये अगस्त 2019 वाले में निकालना क्या था, मौसम। अभी हम सवाल कराएंगे, जब कराएंगे तब कराएंगे, अभी हम केवल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा देख लेना। और ये सारे तुम्हारे क्या है, ऑप्शन है, ये नहीं सोचना कि ये सवाल है, ऑप्शन है। हमने तुमको पढ़ाया, क्या पढ़ाया ध्यान से देखना, क्या पढ़ाया, ऊपर वाले का क्या लेना है, लसा। अगर लसा लेंगे तो ऊपर वाले का लसा, लसा लेंगे तो सबसे बड़ा कौन, 49, 49 सात से कट जाएगा, 21 और 49 किससे कटेगा, सीधे 28 का अंतर है, 28 14 से भी नहीं कटेगा, उससे भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा, सात से कई बार में, तीन बार में। तो इसका लसा क्या हो जाएगा, 147, और नीचे वाले का क्या लेना है, मौसम। तो सबसे छोटे वाले को लेंगे मौसम के लिए, अरे ऊपर वाले का लसा तो लसा ले लिया, नीचे वाले का मौसम, मौसम लेंगे तो क्या देखेंगे, 8 से कट जाएगा, ये 8 से कट जाएगा, कट गया तो इसका मौसम क्या हो जाएगा, 8। तो देखो एक ऑप्शन में वहां 147/ क्या बना के रखा है, 8, कि बस लड़के से गलती हो जाए, वो गलती से लसा निकाल दे, वो पहला ऑप्शन मार देगा। लेकिन हमको लसा नहीं निकालना था इस सवाल में, जो एग्जाम में आया था, क्या निकालना था, मौसम। तो जब मौसम निकालना है, तो मौसम निकालना है तो ऊपर वाले का क्या लेंगे, मौसम, मौसा लेंगे तो छोटी वाली को मार्क करेंगे, किसको मार्क करेंगे, छोटी वाली को। क्या सात से कब सब कट जा रहा है, कट गया तो ऊपर क्या होगा, सात। चलो भैया तुम तो नहीं हो किसी भी शर्त में, जाओ। अब नीचे वाले का क्या लेना है, लसा, तो लसा में 32 है, तो क्या ये 8 से कट जाएगा, 8 के टेबल में आता है, कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, कट गया, तो क्या बचा सिर्फ 32, तो 7/ क्या हो जाएगा, 32 है ऑप्शन में, हाँ है। ठीक, तो ऐसे ऐसे सवाल आपके एग्जाम्पल में आएंगे। ठीक है, एकदम बेसिक बता रहे हैं, ठीक है, ये बेसिक है जो आपके एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, अभी और सवाल कराएंगे। ठीक, तब तक अगला लिखिएगा, लिख लीजिएगा 7/9, लिख रहे हैं 7/9, 14/15 और 7/10, कोई दिक्कत का क्या लीजिए, आप लसा लीजिए और बाद में मौसा लीजिएगा, बाद में क्या लीजिएगा, मौसा, दोनों एक जगह लिख देंगे, यहां इसको निकालिए और यहां इसको निकालते हैं। ठीक है, तो लसा निकालेंगे तो गुरु हमको मालूम है, हम यहां पे भी लिख रहे हैं क्योंकि हो सकता है कैलकुलेशन करना पड़े तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, गड़बड़। पेन चेंज कर ले रहे हैं, क्या चाहिए हमको, इसका लसा, तो ऊपर वाले का लसा, तो सबसे बड़ा कौन, 14, तो ये काट देगा कि नहीं काट देगा, बोलो, कट गया तो ऊपर वाले का क्या आ जाएगा, 14 आएगा कि नहीं आएगा। नीचे वाले का क्या लेना है हमको, नीचे वाले का मौसा, तो सबसे छोटा कौन है, 9, 9 किससे कटता है, 9 से, 3 से और 1 से, क्या 9 से सब कट रहे हैं, 9 से सब कट रहे हैं, नहीं, 3 से सब कट रहे हैं, नहीं, 1 से सब कट जाएगा, तो इसका लसा क्या हो जाएगा, 14/1 यानी 14,
तो ये मत सोचिएगा कि भिन्न में ही आए, ठीक है, भिन्न में नहीं भी आ सकता है, ठीक है। जब मौसा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, तब वैसी स्थिति में। अब यहाँ क्या लेना है, मौसा, तो मौसा के लिए हम किसी छोटे वाले को मार्क करेंगे, दो छोटा है तो कोई एक मार्क कर सकते हो। तो देखो क्या सात से ये कट जाएगा, कट जाएगा, सेम सेम है, सात दूना चौदह कट जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, सात मौसा के लिए। अब लसा लेना है तो लसा में सबसे बड़ा कौन, पंद्रह, अब पंद्रह है तो ये दोनों किस टेबल में आते हैं, देख लो अंतर क्या का, छह का, छह का कटेगा क्या, नहीं, तीन से कटेगा, कई बार में, तीन बार, ये दोनों किस टेबल में आएंगे, पांच, पांच का अंतर है, पांच का अंतर है, ये देख लेना, इसको इसको लेना नहीं है, बस अंतर है, तो पांच ही कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कई बार में, दो बार में। तो अब बताओ सबसे बड़ा कौन, तीन, क्या काट पाएगा, दो, नहीं, नहीं काट पाया, तो ये सब बच जाएंगे, ये नहीं लेना है हमको, हम पहले बता रहे हैं ये अंतर है, तो ये कितना हो जाएगा, पंद्रह किया पैतालीस, और पैतालीस दूना नब्बे, तो सात बटा कितना आ जाएगा, नब्बे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। बस शेयर करो, ऐसे ऐसे कंटेंट आपको मिलेंगे जिसका आपको तोड़ नहीं है, ठीक है। आप केवल देखते रहिए कि कैसे कैसे कंटेंट है, बस आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा, ठीक है, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। अगला लिखिए, फिर वही कपड़ा ढूंढ रहे हैं, इससे बढ़िया यही आदत डाल दे रहे हैं, ठीक है, कपड़ा में ढूंढेंगे, हाथ से ही मिटा देंगे, ठीक। अगला लिखिएगा, जैसे अगला है, अगला कर रहे हैं तो ये आ जाएगा, एक और लिखते हैं, लास्ट है, इसको करते हैं, उसके बाद भिन्न पे आएंगे, भिन्न को पढ़ेंगे। नौ बटा दस लिखिए, नौ बटा दस ले लेते हैं, बारह बट्टा पच्चीस, बारह बट्टा पच्चीस, और अट्ठारह बट्टा पैतीस ले लेते हैं, और सॉरी गड़बड़ हो गया, ये मेरा पांच किस दिन सुधरेगा, सुधर जाओ, पांच, और एक और संख्या ले लेते हैं, वो ले लेते हैं इक्कीस बट्टा चालीस, थोड़ा मजा आए, ठीक है, थोड़ा हम लोग फंसे तब मजा आएगा, ठीक है। इक्कीस बट्टा चालीस का पहले लसा लेंगे, फिर बाद में मौसा लेंगे, तो इसको लिख लेते हैं नीचे, नौ बट्टा दस, बारह बट्टा पच्चीस, अट्ठारह बट्टा पैंतीस, और इक्कीस बट्टा चालीस का क्या लेना है, मौसा, यहां लिख ले रहे हैं मौसा। चलो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, लसा लेना है, जब लसा लेना है तो बड़ा वाला, ठीक है, तो बड़ा वाला 21 हो गया, तो अब याद करो ये दोनों किस टेबल में आएंगे, तीन के, ये दोनों किस टेबल में आएंगे, तीन के, कई बार में, चार, ये दोनों किस टेबल में आएंगे, तीन के, कई बार में, छह, फिर बड़ा कौन, छह, तीन से कट जाएगा, ये दोनों किस टेबल में, दो, दो बार में, ये आ गया, तो हमारा लसा क्या आ जाएगा, बारह गुड़े आप कितना करेंगे, इक्कीस, बारह गुड़े इक्कीस, तो हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दो सौ बावन। देखो फिर गड़बड़ हो रहा है, लिखने में थोड़ा थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि देख लो बोर्ड पे मार्कर से लिखने का मजा कुछ और है, और यहाँ लिखने का मजा कुछ और है। देखो काम मिटा मिट कर, मिट जाओ यार, पैसा लियो क्या, ठीक है यहाँ, हाँ भाई क्या भरोसा, मोदी सरकार की तरफ पैसा लेके जजमेंट दे दोगे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, दो सौ बावन, कितना हो जाएगा, दो सौ बावन, ठीक। अब ऐसी स्थिति में नीचे वाले का क्या लेना है हमको, लसा, नीचे कौन है, दस, क्या दस किससे कटता है, दस से सब कट रहे हैं, नहीं, फिर दस किससे कटता है, पांच से, पांच से सब कट रहे हैं, कट रहे हैं, तो सर आंसर क्या हो जाएगा, पांच। बोलिए, बोरियत नहीं ना हो रही है, बड़ा देखो आराम से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि तुमको डाउट ना हो कोई चीज में। अब यहाँ क्या लेना है, मौसा, तो ऊपर वाले का मौसा कितना हो जाएगा, ऊपर वाले भी मौसा लेंगे नौ को, अब देखेंगे क्या नौ से सब कट जाएगा, नहीं, तीन से सब कट जाएगा, तीन से कट रहा है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, और नीचे वाले का क्या लेना है, लसा, तो सबसे बड़ा कौन, दस से कट जाएगा, अरे दस चौके चालीस, ये दोनों किस टेबल में आएंगे, पांच के, पांच बार में, ये दोनों किस टेबल में आएंगे, सात बार में। तो अब हमको क्या करना है, पैंतीस गुड़े, क्योंकि ये कट नहीं पाएगा, पैंतीस गुड़े चालीस, पैंतीस गुड़े चालीस करेंगे तो पैंतीस चौके एक सौ चालीस, और ये जीरो, तो आंसर क्या हो जाएगा, तीन बटा चौदह सौ। देख लो, स्क्रीन शॉट ले लो, अच्छे से समझ में आ जाए तब आगे बढ़ते हैं, क्लियर है ये, इफन बट नहीं होना चाहिए, ठीक। अगला लिखिएगा, दशमलव का लसा मौसा, अगला, अगली जो हेडिंग है वो हम लोग लिखेंगे दशमलव का लसा मौसा, मिटा दे रहे हैं इसको, ये देखो एकदम बेसिक, जैसे जैसे सवाल आएंगे छोटे छोटे, घाव गंभीर रहेंगे, सवाल करेंगे, ठीक है।
अगर आप लोग कुछ मदद करना चाहते हैं, कुछ स्लाइड भेजना चाहते हैं, तो वो हमें भेज दीजिएगा, जिसको हम इकट्ठा करके रखे रहेंगे और लगाते रहेंगे, ठीक है। फिर हम उस स्लाइड बना के एक दिन लास्ट में ही इसको पूरा समझा देंगे। अब लिखिएगा दशमलव का लसम मौसम, इसमें कुछ नहीं है लेकिन बवाल है। आज तक ये टीचर को क्लियर ही नहीं हुआ ये होता कैसे है दशमलव का लसम मौसम। कभी कभी किसी का आंसर आ जाएगा और कभी कभी आंसर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? रीजन है इसके पीछे। क्या रीजन है? रीजन ये है कि उनको ये मालूम ही नहीं है कि क्या चीज जो दशमलव के स्थान है दशमलव। इसीलिए कभी कभी दशमलव के अगर सवाल आ जाते हैं तो सही लसन निकल जाएगा और कभी कभी गड़बड़। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट उनके पास नहीं है। दशमलव के क्या होना चाहिए? स्थान, दशमलव के स्थान बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, होना चाहिए, यहां लिख रहे हैं चाहिए, मत चाहिएगा किसी को बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है, चाहिएगा नहीं, ठीक है ना, तो चाहने में बर्बादी होती है, ठीक। अगला देखिए, दशमलव के, ठीक, के स्थान पर, दशमलव के स्थान क्या होने चाहिए? दशमलव के स्थान बराबर होने चाहिए। अब बराबर होने चाहिए ये क्या कहने का मतलब है? सवाल में आ रहे हैं, सवाल पे आते हैं तो सवाल के साथ हम आ रहे हैं। पहला सवाल लिखते हैं, ध्यान से देखना, 0.36, 0.4 और 0.8, ठीक। कमाल लो, हमें लसन निकालना हो और मौसम, हम क्या बोले? सबसे पहली प्राथमिकता सवाल करते समय दशमलव के स्थान बराबर। क्या बराबर है? दो स्थान, एक स्थान, एक स्थान है बराबर नहीं। हम क्या करेंगे? जीरो बढ़ा देंगे। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं बढ़ाएंगे तो भी तो आंसर वो आएगा, हाँ, दस में सात में आएगा और तीन में नहीं आएगा, गड़बड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा है और इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर लिया गया है, ठीक है। अभी हम कहेंगे तो करके भी दिखा देंगे कुछ सवालों पे जहां नहीं आएगा, और हम सिद्ध भी करेंगे क्यों गड़बड़ है, ठीक, इसकी चिंता मत करिएगा। अब अगर मैं इसको भिन्न में बदलूं तो 36 बटा कितना आ जाएगा? 100। 40 बटा कितना आ जाएगा? 100। और यहां करूंगा तो 80 बटा 100 होगा। अब जब 100-100 तुम कर दिए तो तुम्हारा काम खत्म, नीचे का बवाल खत्म। चाहे आप लसा लीजिए, चाहे मसा लीजिए, नीचे तो 100 रहेगा ही रहेगा। क्यों? अरे भाई, हे के चाहे लसा ल, चाहे हे के मसा ल, तो 100 के 100 रहे, कोई दिक्कत? आधा तो झंझट खत्म। अगर सवाल बोल दीजिए कि लसा लीजिए, तो लसा आप कहीं अलग से कोने में लिख लीजिएगा, 36, 40 और 80 का लसा निकालिए, तो सबसे बड़ा कौन? 80। यहां नहीं फंसा रहे हैं, जगह यहां फंसा नहीं रहे। तो ये बताओ 40 से कट जाएगा? ये दोनों किस टेबल में आएंगे? चार का अंतर है तो चार ही के टेबल में आएंगे, कई बार में? 9 बार में। तो आंसर कितना हो गया? इससे सटीक आंसर नहीं है, ये क्या हो जाएगा? 7.2। ठीक, सेम उसी तरीके से अगर मौसा निकालने को आ गया तो मौसा इनके इनके बीच में अंतर कितने का? हम आपसे बोले हैं 4 का, और इस पे कितने का? 40। तो ये दोनों किस टेबल से कटेंगे? 4 से। 4 से कट जाएंगे, 4 का अंतर है, तो अब ऐसी स्थिति में हम ऊपर क्या लिखेंगे? 4। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.00। गड़बड़ा गया, ज्यादा जीरो लग गया, जाना मत, चले गए ना मौसा, हम कह रहे थे तुम धोखेबाज हो, ठीक। अब यहां क्या हो जाएगा? 0.04, क्योंकि दो स्थान बाद लगेगा। बात क्लियर है? समझ में आ गए? ये क्या हो जाएगा आपका लसा और ये क्या हो जाएगा मसा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर समझा रहे हैं। दो तीन सवालों के साथ आप घर पे जाके चेक करिएगा, इसमें आपका आंसर आ जाएगा सही सही। अभी जो सवाल बोलेंगे चुनौती देंगे कि बिना दशमलव बराबर करे आइए और लसा जाके देखिएगा छोटी होता है कि बड़ी, ठीक है। अगला सवाल लिखिएगा, मिटा देना है इसको, मिटाए ना, हाँ, हाथ से कपड़ा ढोना है, बिठा रहे।
चलिए ये भी आदत बोर्ड वाली कम से कम जारी नहीं, बोर्ड पे भी हम हाथ से कभी कभी डालते हैं। चलिए सबमिट गया। इससे क्या है ना कि स्लाइड नहीं बन पाएगा फिर अगर मिटाते रहेंगे तो, ठीक है। बाय द वे इन फ्यूचर सेव करना रहा, स्लाइड नहीं बनेगा, यही दिक्कत होगी। ठीक, चलिए अब इसको देख रहे हैं। अगला क्या है, एक सवाल हम आपको करा रहे हैं और यही लास्ट होगा आज का लगभग लगभग, क्योंकि इस वीडियो एक आध घंटे की क्रॉस होने वाली है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.08। ठीक, अब ये अगला कितना है 1.8 और ये हो जाएगा 0.36 और ये हो जाएगा आपका 0.9। ठीक, अब इसमें आंसर आपके सेम नहीं आएंगे, मैं सिद्ध करके दिखा रहा हूं क्यों नहीं आएगा। जैसे अगर आप बेसिक से करते तो 108/100 होता, ये 36/100 और ये क्या होता 9/10। करते कहते ऊपर वाले का लसा नीचे वाले का मौसा, लसा लेते तब तो ये बताओ 108 करते तो 9 भी काट देता, 36 भी काट देता कि नहीं काट देता। तो इसका कितना आ जाता 108 बटा नीचे वाले का मौसा कितना 10 मौसा ना 10, तो 1.08 आता। लेकिन मैं ये करके सॉरी गड़बड़ा जा रहा है, ये कितना एक स्थान पर पॉइंट लगेगा। ये भाई ये तो बड़ा टेंशन दे देता है कभी कभी, कितना हो गया 10.8। लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट से करोगे तो हम दिखा देंगे कि ये संख्या सबसे कटेगी। ठीक है, ये 10.8 आ रहा है ना, मैं इससे छोटी संख्या दिखा दूंगा जो ये सब काटेंगे। क्यों हम करेंगे, हमने गुरु से सीखा है कि ये दशमलव के स्थान बराबर होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट जाके किसी भी टीचर से गोरखपुर में पूछ लेना, वो अभी कहेगा बस तुम ये सवाल देना, कह देना उसका लसा कितना, वो निकाल के तुमको कितना देगा, तुम्हारे आग के सामने 10.8 रखेगा। लेकिन तुम जैसे ही ये करना कहना है सर ये तो इससे छोटी संख्या कट रही है और कट के मैं दिखा रहा हूं कैसे कटेगी। क्यों, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे कॉन्सेप्टों पे मेहनत नहीं करते हैं लोग, वो सीधा बस धड़ल्ले से रट लिए हैं कि भिन्न को बदल लेंगे, लेकिन जब उनके सामने सवाल लगता है तब वो परेशान होते हैं। अब देखो 9 के बदले क्या हो गया 90, फर्क दिखने लगा होगा तुमको। ठीक है, 9 के बदले 90 हुआ और नीचे लसा क्या आने लगेगा तुम ही बताओगे भाई, लसा कितना आ जाएगा। लसा मौसा दोनों चेंज करके मैं इस सवाल पे दिखाऊंगा, दोनों से चेंज होगा तो ये कितना आ गया 100। और ये बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन 108, 36 तो काट देगा लेकिन ये काट पाएगा नहीं, ये 18 के टेबल में कई बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा, और 5 बार में कटा तो ये कितना आ गया 540 और 540 आ गया तो 5.4। तो ये बताओ ये पहले कट रहा है कि ये पहले कट रहा है। तुमसे क्या बोला गया है, लसा क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है कि नहीं होता है हा? और लीस्ट कॉमन होता है तो लीस्ट होना चाहिए, तो हाईएस्ट कैसे हो गया, है इसी का गुणज। लेकिन ये कैसे आ गया, ये उससे पहले कटेगा, नहीं भरोसा हो रहा है काट के देख लेना, 9 से काटोगे इसको, 9 से काटोगे तो दशमलव, ये 9 से कटेगा कई बार में कट जाएगा, सॉरी 6 बार में, इससे काटोगे तो कट जाएगा देख लेना काट के, 5 और 4 है और इसको किससे काट रहे हो 0.36 से, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट बैलेंस हो गया तो 10 बढ़ जाएगा। अब 18 से काट रहे हैं 2 बार में, 18 से 30 बार में, 2 से कट गया कि नहीं कट गया 15 बार में, ये 30 है कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, सेम ये भी कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना, तो ये कट गया तो ये बताओ ये हो सकता है क्या कभी भी, नहीं हो सकता। तो आंसर मेरा कितना आएगा 5.4 और जाना मैक्सिमम टीचरों से पूछना वो कभी भी नीचे वाले को बराबर नहीं करते हैं और यही हो जाता है उनसे गड़बड़ी, लसा भी गड़बड़ आएगा और मसा भी गड़बड़ आएगा। अब ये हो गया लसा, लसा नोट कर लेना 5.4। ये क्या है मेरे भाई देख लेना, ये वाला क्या है तुम्हारा, ये वाला गलत है, इससे मत करना कभी भी। बार बार कह रहे हैं कि जीरो की संख्या को बराबर करना तब जाके तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये सवाल लिख लेना जाके एक बार अपने टीचर से, अपने शुभचिंतक से या जो भी आपके मार्गदर्शक होंगे उनसे पूछना, उनको बताना, अगर गलत हो जाएंगे तो बता देना, कह देना शायद आने वाली तुम्हारी पीढ़ी कभी ये गलती ना करे। ठीक है, कभी कभी हम क्या कहें 10 में से 7 सवाल उस पे लग जाएगा लेकिन 3 में आंसर नहीं आएगा तो वो कहेगा बुकवा गड़बड़ है। ठीक है, तो ये चीज कॉन्सेप्ट समझना कि ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब अगला देखो, इसका मौसा भी डिस्टर्ब आएगा, मौसा कैसे डिस्टर्ब आएगा ये चीज देख लेना, मौसा कैसे डिस्टर्ब होता है,
इसी पे कर रहे हैं, इसको नोट कर लिए होंगे, मौसा कर रहे हैं। मौसा होगा देखो, जैसे अगर तुम उससे मौसा निकालते, ध्यान से समझ लेना, तो मौसा तुम कहते कि गुरुजी ये इस हिसाब से देख लो, दोनों हिसाब से रॉन्ग वे, ये रॉन्ग है और ये क्या है राइट है, हम करके दिखाएंगे अभी। राइटिक की स्पेलिंग गलत हो जा रही है हमसे, ये रॉन्ग राइट वाला राइट ना बहुत गड़बड़ करता है। राइट कॉन्सेप्ट देखना, राइट कॉन्सेप्ट क्या है, राइट कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्या कहता है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्या कहता है। रॉन्ग कॉन्सेप्ट कहेगा ये करिए आप 108/100 मौसा निकाल रहे हैं और ये आ जाएगा 36/100 और ये आ जाएगा 9/10। तो आप कहेंगे सर 9 से खत्म, 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 9 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे आप 9 और नीचे वाले का लॉस आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.09, यही होगा, मिटा के सही से लिख दे। तो ये कितना आ जाएगा 0.09 आएगा। अब यहां क्या आएगा देख लेना, उससे पहले अब ये करेंगे तो ये आ जाएगा 108/100 और ये आ जाएगा 36/100 और ये आ जाएगा 90/100। मेरे गुरु ने सिखाया है दशमलव के स्थान बराबर होने चाहिए, तो हमको यहां 100-100 बनाने के लिए एक एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब नीचे वाले का मौसा, हमको मौसा लेना है ना इसमें, तो नीचे वाले का लसा, 100-100 का लसा क्या आ जाएगा 100, कोई दिक्कत नहीं, नीचे खत्म भवा। अब इसमें बताओ सबसे छोटा कौन, यही अंतर दिखने लगेगा, वहां 9 हो रहा था यहां 36 से तो ही कट जाएगा, लेकिन 36 से कटेगा क्या, तो ये दोनों किस टेबल में आएंगे 18 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 18, 36 से सब नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, तो फिर हम 18 से काटेंगे 36 से नहीं कट, सॉरी तबीयत भी नहीं ठीक है, 36 और ये कितना हो जाएगा 18, तो ये बताओ ये कितना आ जाएगा 18, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.18। ठीक, तो ये बताओ ये इससे बड़ी है कि नहीं बड़ी है, आप क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, यहाँ लिस्ट कॉमन फैक्टर नहीं ना बोलते हैं। तो जाइए, हम खुली चुनौती दे रहे हैं अपने मार्गदर्शकों से, इस कॉन्सेप्ट पे सवाल पे पूछिएगा, वो फंसेंगे और आप क्लियर करिएगा, सर ये इससे छोटी है, हम काट काट के दिखा रहे हैं, देख लीजिए आप इसके गुणज को ढूंढ लीजिए, गुणज मत ढूंढिए, ये ढूंढिए। तो ये बात समझ में आ गई। अब आप लोग से यही अनुरोध है कि देखिए भाई, जो लोग भी व्हाट्सएप चलाते हैं, कुछ मत करिए, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, आपसे अनुरोध है मेरा, ये 5 मिनट आपको शायद मोटिवेट करें कि हम भी सपोर्ट मिले, जिससे आप लोग कुछ मत करिए, केवल स्टोरी बनाइए, स्टोरी बनाइए, इंस्टा चलाते हो तो इंस्टा पे लगाइए, ठीक है, हर जगह इस वीडियो को लगाइए और कुछ मत करिए, स्टोरी बनाइए और शेयर करिए जितना ज्यादा हो सकता है शेयर। हम आपसे सब्सक्राइब नहीं मांग रहे, शेयर मांग रहे, क्योंकि सब्सक्राइब तो आप ऑलरेडी कर ही लिए होंगे, ठीक है, शेयर करेंगे तो हम नए नए लोगों के पास पहुंचेंगे और नए लोगों के पास जितना ज्यादा पहुंचेंगे उतना ज्यादा हमको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, मनोबल हाई होगा। जब संख्या बढ़ता है ना सब्सक्राइबर का, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और आप लोग बस कुछ मत करिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस और ये लगा के, इंस्टा पे केवल लगा के छोड़ दीजिए, ठीक है, आप किसी कोचिंग में पढ़े, कुछ भी पढ़े, बस एक बार लगा लीजिए, ठीक है, जिससे जो जरूरत वाले बच्चे हैं उनको मिले, वो जाने कि क्या कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ना है, यहाँ कुछ आपका लगना नहीं है, बस आप हमको सपोर्ट करते रहिए किसी भी तरह से, बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है, केवल शेयर करिए जितना ज्यादा हो सकता है उतना हमें शेयर करते रहिए, ठीक है, हम लोगों के बीच में पहुंचते रहे जिससे हमारी थोड़ी सी सपोर्ट मिले और हमारा कॉन्फिडेंस हाई रहे कि हाँ हम शायद सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, कल इसके आगे।